हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले हमने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ा। अगर हम किरचॉफ का दूसरा नियम नहीं जानते हैं और उसका चिन्ह नियम नहीं जानते हैं तो हमें इस डेरिवेशन में थोड़ी सी समस्या होगी। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले आप थोड़ा सा किरचॉफ के दूसरे नियम को पढ़ें और उसमें भी खासकर चिन्ह नियम को देखें, तो आपको इस डेरिवेशन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए हम शुरू चलो स्टार्ट करते हैं कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन। इसमें सबसे पहले हम दो सेल लेते हैं और उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं, फिर इन दोनों सेलों का संबंध आपस में एक बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर से कर देते हैं। जैसे कि हमने पहले भी किया था कि दो सेल लिए थे, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा था और फिर उनका संबंध आपस में जोड़कर फिर उनका संबंध बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर से कर दिया था। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले हम दो सेल बनाते हैं। तो एक सेल का चिन्ह क्या होता है ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम सेल का चिन्ह कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ऐसे प्लस माइनस दो लाइन खींचते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन हमेशा प्लस और छोटी लाइन हमेशा माइनस होती है और उसका एक हम बनाते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ये एक सेल का चिन्ह है। माना इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध R1 है। अब हम ऐसे ही दूसरा सेल बनाते हैं, श्रेणी क्रम में उस सेल को हम इसके आगे जोड़ देते हैं और समांतर क्रम में उस सेल को हम इसके नीचे बिल्कुल इसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो मैं एक सेल और बनाता हूँ जो कि बिल्कुल ठीक इसी तरीके से है, लेकिन उसके विद्युत वाहक बल मैंने माने हैं E2 और उसका आंतरिक प्रतिरोध है R2। अब इन दोनों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, मतलब इन दोनों के एक सिरे को एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने ये दोनों के एक सिरे को किसी एक पॉइंट से जोड़ दिया और इनके या फिर इन्हें ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ सकते हैं, और इनके दूसरे सिरों को आपस में ऐसे जोड़, और ये हो गया सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अब हम इनका संबंध एक बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R से कर देते हैं। यही काम हमने सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में भी किया था कि दो सेल बनाए, वो आपस में श्रेणी क्रम में जोड़े और फिर उन दोनों का संबंध बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R से कर दिया। अब देखो ये सेल का प्लस पॉइंट है, इससे माना कोई धारा प्रवाहित होगी। अभी मैं उसको देखता हूँ क्या मानेंगे अपन, और इस सेल के प्लस पॉइंट से धारा प्रवाहित होगी। इधर से ऊपर से धारा आएगी और इधर नीचे से आएगी, दोनों मिल जाएंगी और एक धारा बन जाएगी। माना ये धारा आई है। अब ये आई धारा इस तरीके से घूमकर इधर जाएगी और प्रतिरोध कैपिटल R में प्रवाहित होगी। फिर ऐसे घूम के ये ऊपर की ओर जाएगी और फिर वो इस तरीके से घूमकर यहाँ आ जाएगी। यहाँ आने के बाद इस धारा का कुछ भाग ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, माना वो धारा I1 है। तो नीचे जाने वाली धारा क्या होगी, आई धारा आ रही है, आई में से ऊपर चलेगी I1, नीचे बचेगी I-I1 और इधर से फिर ये I1 धारा जाएगी और इधर से I-I1 धारा जाएगी, जुड़ जाएगी, तो फिर इससे वापस से ये आई धारा बन जाएगी। तो ये हमने सेलों का समांतर क्रम संयोजन बना लिया है। अब मैं यहाँ पॉइंट कुछ पॉइंटों के नाम देता हूँ, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई और ये एफ है। अब इसमें मैं किरचॉफ का लूप नियम लगाकर इसमें प्रवाहित धारा, इसके कुल विद्युत वाहक बल और कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लूप का चुनाव करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं दो लूप बनाऊंगा, एक बार तो इस सेल के साथ इस प्रतिरोध को लूंगा और दूसरे लूप में मैं इस सेल के साथ इस प्रतिरोध को लूंगा। तो देखो सबसे पहले मैंने लूप चुनाव किया ए बी और इधर से घूमकर ई एफ और ए। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं लूप ए बी ई एफ ए। मैं किरचॉफ के दूसरे नियम से या वोल्टेज नियम से, तो चलो हम इस लूप में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। तो हम ए से बी की ओर इधर जा रहे हैं, हम इधर जाते हैं तो हमें सेल, रास्ते में सेल मिलता है, तो हम इसके विद्युत वाहक बल को लेते हैं जिसका जो कि है E1। लेकिन हम सेल के प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, इसलिए चिन्ह नियम के अनुसार हम इसका विद्युत वाहक बल माइनस E1 लेंगे। जब हम आगे जाते हैं तो प्रतिरोध
आर वन मिलता है और उसमें धारा बह रही है आई वन, इसमें इसके स्रों पर उत्पन्न विभवांतर होगा वी बराबर आई आर। मैं उसको लिखता हूँ वी बराबर आई आई वन आर आर वन, धारा बह रही है आई वन, प्रतिरोध है आर वन, तो आई आर वन हो गया जी, आई वन आर वन। और मैं धारा की दिशा के विपरीत दिशा में जा रहा हूँ तो मैं चिन्ह लूंगा धनात्मक, जो कि चिन्ह नियम के अनुसार है। फिर हम इधर से आते हैं, कोई प्रतिरोध नहीं मिलता है, फिर ऐसे घूम के जाते हैं, फिर जहाँ जब पहुँचते हैं तो हमें ये प्रतिरोध आर मिल गया, इसमें बहरी इसमें प्रवाहित धारा है आई, तो मैं फिर से इसके स्रोत पर विभवांतर लेता हूँ तो बी बराबर आई आर। लेकिन चिन्ह नियम के अनुसार मुझे फिर से चिन्ह प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, धारा की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ। फिर ऐसे घूमते हुए मैं पुनः ए बिंदु पर पहुंच जाता हूँ और मैंने इस लूप में जितने विभवांतर थे समस्त वोल्टेजों का बीजगणित योग कर लिया है, और किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी पर्पत में लगे किसी बंद लूप में जुड़े समस्त विभवांतरों का बीजगणित योग शून्य होता है। अब हम इसे समीकरण को आगे हल करते हैं, तो माइनस ई वन को पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं, तो आई वन आर वन प्लस आई आर बराबर ई वन, ये एक हमारे पास समीकरण बन गया। अब इसी प्रकार हम दूसरे सेल के साथ लूप बनाते हैं, लूप डी सी ई एफ डी, लूप डी सी ई एफ डी में किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो ठीक इसी प्रकार हम चलते हैं, चलो डी से सी की ओर हम इस दिशा में जा रहे हैं, हम इस दिशा में जा रहे हैं, तो हमें रास्ते में सेल मिला तो हमने इसके वोल्टेज ले लिए ई टू, क्योंकि हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं इसीलिए हम इसके वोल्टेज लेंगे माइनस ई टू। आगे चलने पर हमें एक प्रतिरोध मिलता है जिसमें आई धारा बह रही है, इसके सिरों पर विभवांतर लेते हैं बी बराबर आई आर, क्योंकि हम इस दिशा में जा रहे हैं धारा के विपरीत दिशा में, तो ये आई गुणा आर हमें धनात्मक लेना है। इसमें बहने वाली धारा आई माइनस आई वन है और इसका प्रतिरोध आर टू है। फिर हम ऐसे घूम के इधर जाते हैं तो फिर से दोबारा हमें एक प्रतिरोध मिलता है और इसमें प्रवाहित धारा आई है, तो चिन्ह नियम के अनुसार हम फिर चिन्ह प्लस लगाएंगे क्योंकि हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो हम चिन्ह प्लस लगाएंगे और आई आर बी बराबर आई आर। फिर हम आगे जाते हैं और हम डी बिंदु पर पहुंच जाते हैं और किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार समस्त वोल्टेजों का बीजगणित योग शून्य होता है, जो कि हमने कर दिया, और फिर से पक्षांतरण करके इसे ई टू को इधर ले जाते हैं, तो आई माइनस आई वन इंटू आर टू प्लस आई आर बराबर ई टू। इस तरीके से हमें दो समीकरण प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि समीकरण एक में आर टू का गुणा करते हैं और समीकरण दो में आर वन का गुणा करते हैं और फिर इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण एक में आर टू का तथा समीकरण दो में आर वन का गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, हम इस समीकरण में पहले आर टू गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आई वन आर टू प्लस, फिर आर टू का गुणा करते हैं तो आई आर आर टू बराबर, फिर करते हैं तो ई वन आर टू। इस प्रकार मैंने इस पूरे समीकरण में आर टू का गुणा कर दिया। अब इसी प्रकार समीकरण दो में हम आर वन का गुणा करते हैं, तो दोबारा से इस समीकरण में गुणा करेंगे तो आई माइनस आई वन और इसका गुणा करेंगे तो आर वन आर टू प्लस, अब इसका फिर गुणा करेंगे तो आई आर आर वन बराबर, फिर इसका गुणा करेंगे ई टू से तो ई टू आर वन। हमने समीकरण एक और दो में आर वन तथा आर टू का गुणा कर दिया है। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद सीधे सीधे लिख जाएगा आर वन आई वन आर वन आर टू प्लस, इसको लिख देते हैं आई माइनस आई वन आर वन आर टू प्लस, अब इसे लिखते हैं आई आर आर टू और इसमें इसको जोड़ देते हैं प्लस आई आर आर वन बराबर, अब इस साइड की संख्या जोड़ते हैं तो ई वन आर टू प्लस ई टू आर। हमने दोनों समीकरण जोड़ दिए, अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें आर वन आर टू का अंदर गुणा करते हैं, तो देखो एक स्टेप और हल करेंगे आई वन आर टू प्लस, इसका अंदर गुणा करेंगे तो आई आर वन आर टू माइनस आई वन आर टू प्लस, अब इसको पूरे को ऐसे के ऐसे उतार देंगे तो
आई आर आर टू प्लस आई आर आर वन बराबर ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन। अब हम देखते हैं कि देखो यहाँ ये माइनस आई वन आर वन आर टू है और ये प्लस आई वन आर वन आर टू, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद ये संख्या यहाँ बचती है, इसको लिखते हैं आई आर वन आर टू प्लस आई आर आर टू प्लस आई आर आर वन बराबर ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन। अब मैं इन सभी में से आई कॉमन ले लेता हूँ, तो आई कॉमन लेने के बाद बचा है आर वन आर टू प्लस आर आर टू प्लस आर आर वन बराबर ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन। अब इन दोनों में से मैं कैपिटल आर कॉमन लेता हूँ, तो आई बराबर आई को बाहर लेते हैं, तो इनमें से अगर आर कॉमन लेंगे तो कोष्ठक बचेगा आर टू प्लस आर वन या आर वन प्लस आर टू प्लस, इसको इधर लिख देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन। अब हम आई बराबर निकालते हैं, तो ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे आर आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू। अब हम इस समीकरण में ये जो संख्या है आर वन प्लस आर टू इसको हटाना है, तो हम इस समीकरण में ऊपर और नीचे आर वन प्लस आर टू का भाग ऊपर और नीचे लगा देते हैं, या हम आर वन और आर टू का ऊपर नीचे गुणा कर दें। तो ये करने के बाद अब क्या होगा कि आई बराबर इसमें इसका भाग लगाया तो ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू, बटे में जब हम इसका पूरे की संख्या के नीचे इसके भाग लगाते हैं इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा आर प्लस, अब इसके नीचे आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, क्योंकि ये इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे, इसके नीचे ये कट जाता है तो केवल आर रह जाती है और इसके नीचे ये बना रह जाता है। तो इस प्रकार सेलों के समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का सूत्र है। जब हम इसकी तुलना करते हैं आई बराबर ई प्लस आर प्लस स्मॉल आर से, तो ये तो सेलों के समांतर क्रम का कुल विद्युत भागफल हमें मिल जाता है, तुलना करने पर कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान ये हो जाता है। तो अगर कोई पूछे कि सेलों का समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो ये जो है कुल विद्युत वाहक बल इसे लिख सकते हैं ई नॉट बराबर ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, तुलना करके देखते हैं ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन में कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आता है, तो उसका मान लिख देंगे आर नॉट बराबर आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। तो ये पूछा जाता है कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन में कुल धारा ज्ञात कीजिए, कुल विद्युत भाग बल ज्ञात कीजिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये एक बार राजस्थान बोर्ड 2007 में आ चुका है, 4 नंबर का आया था, इसमें एक दो परिभाषाएं भी जुड़ी थी। तो चित्र बनाने के बाद हमें इसकी भाषा भी लिखनी पड़ेगी, जो हमें दिख रहा है वो हम इसकी भाषा में लिख देते हैं। जैसे कि चित्र में दो सेल दिखाए गए हैं जिनके विद्युत भाग बल ई वन ई टू हैं और आंतरिक प्रतिरोध आर वन आर टू हैं। हम इन दोनों के प्लस सिरों को आपस में जोड़ देते हैं और इन दोनों के माइनस सिरों को आपस में जोड़ देते हैं, तो फिर इन का संबंध एक बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर से कर देते हैं। माना कैपिटल आर प्रपथ में प्रवाहित धारा आई है और पहले सेल में प्रवाहित धारा आई वन और दूसरे सेल में प्रवाहित धारा आई माइनस आई वन है। इतना लिखने के बाद हम इस डेरिवेशन को करते हैं। धन्यवाद।